दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। शॉर्ट मूवी द गुड गर्ल हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज की गई है। यह मूवी 21 साल की लड़की अप्पू प्लाबिता बोरठाकुर और उसकी माँ गुरदीप कोहली के बीच हुई उस बातचीत पर बेस्ड है जो तब होती है जब माँ अचानक बेटी को प्रेगनेंसी टेस्ट लेते पकड़ लेती है। इस पर माँ कैसे रिएक्ट करती है, डालते हैं पूरी कहानी पर एक नज़र। घर में अप्पू के लिए पार्टी की तैयारी चल रही है। बेटी वॉशिंग एरिया में टेंशन में खड़ी हुई है। माँ यह बड़बड़ाते हुए वहाँ एंटर होती है कि उसके पापा का दिमाग खराब हो गया है। पाप सुबह से एक्साइटेड हैं, शाम को पार्टी देना चाहते हैं, यह बताने के लिए कि उनकी प्यारी बेटी उनकी गुड गर्ल उन्हीं के फील्ड मार्केटिंग और सेल्स में इंटर्नशिप कर रही है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते डालते माँ उस ओर बढ़ती है जहाँ बेटी वॉश बेसिन को छुपाए खड़ी है। हालांकि वह कुछ छुपा नहीं पाती। माँ की नज़र बेसिन में पड़ी प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप पर पड़ जाती है और उसे झटका लगता है। माँ के स्ट्रिप देखते ही अप्पू एकदम डर जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोच में पड़ जाती है, सोचती है कि माँ अब सवाल करेगी कि और क्या करती हो, दारू पीती हो, ड्रग्स लेती हो, बाकी सब तो चल ही रहा है और बचा ही क्या है। इसके बाद अप्पू सोचती है कि माँ कहेगी कि बहुत सेल्फिश हो तुम, इन शरीफों की सोसाइटी में हम तो जीने लायक नहीं रहे। ऐसी बेटी के लिए पापा पार्टी देना चाहते हैं उनकी गुड गर्ल, तुम्हारे पापा तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहते, निकल जाओ यहाँ से। अप्पू यह तक सोचने लगती है कि माँ ने उसे थप्पड़ मारा। स्ट्रिप्स देखने के बाद काफी देर तक रूम में सन्नाटा रहता है। इसी बीच बेटी के बॉयफ्रेंड के कुछ मैसेज आते हैं जो सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है। माँ उन मैसेजेस को पढ़ लेती है और बेटी सॉरी बोलती है। बेटी खेद जताते हुए कहती है कि वह अपने पेरेंट की गुड गर्ल नहीं बन सकी, खुद को संभाल नहीं सकी। माँ बेटी से पूछती है कि क्या दोनों में से किसी ने शराब पी रखी थी, क्या बेटी के साथ जबरदस्ती की गई। लेकिन अप्पू ऐसी किसी भी बात से इनकार कर देती है। अप्पू बताती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। बेटी आगे कहती है कि माँ ठीक बोलती थी कि उसे डिसीजन लेना नहीं आता, उसके डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। माँ बेटी के करीब आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसके आंसू पोंछ कर कहती है, मैं कहती तो थी बेटा, लेकिन मुझे भी पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। एक लड़की भी जिंदगी में अपने डिसीजन ले सकती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये हक कभी मिला ही नहीं। आज शाम को पार्टी होनी है या नहीं होनी है ये भी मुझसे पूछा नहीं जा रहा। एक्चुअली ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, गलती सारी मेरी है। मैंने ही गुड गर्ल बने रहने के लिए तुम पर इतना प्रेशर डाला कि तुम मुझसे आज बात करने से डरती हो। माँ आगे कहती है, अप्पू जो हुआ वह न होता तो बेहतर था, जो हो गया है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को डील कैसे करना है वह हमारे हाथ में है। इसके बाद माँ बेटी से पूछती है कि क्या उसने ये डिसीजन एडल्ट होने के बाद लिया, तो वह हामी में सिर हिला देती है। तब माँ कहती है, अप्पू एडल्ट का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमर्जी करते रहो, एडल्ट का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेने के बाद उसके लिए जिम्मेदार रहो। तो ठीक है, शाम को तुम खुद अपने पापा को इस सिचुएशन के बारे में बताओगी पार्टी से पहले, इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। बाद में बेटी माँ से पूछती है कि क्या वह नाराज नहीं है, तो जवाब मिलता है कि वो नाराज नहीं, गुस्से में लाल हो रही है। माँ कहती है, इसका मतलब भी जानती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गुड गर्ल गुड बॉय बने रहें, तो पेरेंट्स होने के बातें हमारी जिम्मेदारी भी तो है कि हम भी उनके लिए गुड बने। सोसाइटी यह डिसाइड नहीं करेगी कि हम अपनी जिंदगी अपना घर कैसे चलाएं, हम साथ साथ हैं। जब बेटी गले से लिपटती है तो माँ पूछती है, 3 मिनट हो गए क्या, और दोनों बेसिन में पड़ी स्ट्रिप की ओर देखते हैं जिसमें की टेस्ट निगेटिव दिखाई देता है। माँ बेटी राहत की सांस लेते हैं, यही फिल्म की हैप्पी एंडिंग है।